अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। काफ़ी दिनों बाद बातचीत हो रही है, कुछ मसूखियत रही। बहरहाल आज हम लोग जो पॉइंट कवर करने आए हैं वो है ग्रिल बादशाह। ये मैं अभी आपको ब्रीफ से भी दिखाऊंगा क्लियर करके। इनकी लोकेशन है जनाब, ये अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये सदर गोल चक्कर की साइड से आ रहा है सारा रास्ता, और अगर आप मेरे ये राइट साइड पर देखें तो ये धर्मपुरा की तरफ चला जाता है सारा कुछ। अभी हम देखते हैं कि जो स्पेशलिटी है वो है ये बटर चिकन बनाते हैं दिल्ली स्टाइल, तो मेरा ख्याल है लाहौर में कोई और नहीं बनाता। पहले ये लोकेटेड थे गुलिस्तान कॉलोनी धर्मपुरा के अंदर, अब रिसेंटली ये इधर आ गए सदर गोल चक्कर के बिल्कुल करीब। ये जो इनके बिल्कुल बैक साइड पे लाकर वो टिक्की मोहल्ला कहलाता है, और थोड़ा सा इनके फर्दर आप ये गोल चक्कर थोड़ा सी आगे जाएंगे तो राइट साइड पर आपके सदर बाज़ार की लोकेशन भी आ जाती है। अभी करीब चल के देखते हैं कि कैसा मामला चल रहा है इनका। बटर के अंदर उसको सारा सोप किया, ये रेडी है, मतलब प्रिपेयर्ड है। ये रात को फायदा पूरी मक्खन की बड़ी टिक्की है, मेरा ख्याल तकरीबन कोई किलो वाली टिक्की है जो इन्होंने इसके अंदर मेल्ट की हुई है। उसके अलावा ये क्या चीज़ है, क्रीम है, ये क्रीम डाल रहे हैं साथ में मसाला है। इस टाइम पहले उसको ग्रिल कर रहे हैं चिकन को, उसके बाद उसके अंदर उसको क्रीम और बटर मिक्स करके, और ख़ास कोई मसाले हैं दिल्ली स्टाइल ये यहाँ। ये आप नेपलेट्स को ही मतलब बटर में तैयार करते हैं, दूसरा भी होता है सारे सारी आइटम। ये अब ये नेपलेट्स हैं ग्रिल से, ये उसको ध्यान दिया कि बटर डाला जबरदस्त। और ये आप कितना किलो के हिसाब से देते हैं? ठीक, ये भाई तैयार कर रहे हैं। ये कबाब कौन से हैं, बीफ के? बीफ काजू वाले कबाब, काजू और बादाम है। ये देखिए जनाब, इसमें बादाम है और काजू है, इसमें तो प्याज एक ग्राम नहीं है, एक ग्राम भी प्याज। ये तो बिल्कुल ही मोस्ट यूनिक रेसिपी है, मेरा ख्याल में लाहौर में और कोई नहीं बना रहा होगा। सर रोगन की जगह इसमें देसी घी है, इसमें देसी घी है रोगन की जगह, जबरदस्त कमाल हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा इसमें आपके पास जो बटर में बनाते हैं ये आप क्या क्या चीज मिक्स कर लेते हैं? नेपलेट्स हैं, नेपलेट्स है, मलाई रोटी है, और इसके अलावा कबाब होते हैं हमारे पास, सीने का पीस होता है, प्योर क्रीम का भी सर, लोकल चीज़ कोई भी नहीं यूज़ करती, सब ब्रांडेड है, लीक है ब्रांडेड, सारा कुछ ब्रांडेड, जबरदस्त कमाल का काम बेहतरीन। ये पीछे क्या तैयार हो रहा है सर? हाफ डन हो रहा है, हाफ डन होने के बाद यहाँ आ जाता है। यार इधर होता है ये जनाब, हाफ डन किया जा रहा है, यहाँ से हाफ डन करके इधर इस ग्रिल पे आ जाता है, और फिर उसका बटर वगैरह और क्रीम के साथ उसकी फिनिशिंग हो जाती है, जबरदस्त काम जी। इस वक्त शिराज भाई हमारे साथ हैं जो ये इसको सारा लुक आफ्टर करते हैं, जिनका ये सारा सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई, शिराज भाई कब से आपका सेटअप ये? सर ये है तो 1992 से मेरे फादर करते थे। ठीक हो गया, तो 2008 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वाइंड अप हो गया था। ठीक हो गया, वो सिर्फ टिक्का बनाते थे इसका बटर वाला ना। सही, तो अभी हमने इसको 2 साल पहले स्टार्ट किया, तो नेबलेट और कबाब वगैरह और ये बाकी जो सारी चीज़ें हैं रेसिपी वही है, मसाले सारे वही हैं,
लेकिन हमने ये ज़रा मार्केट में आपको पता है वैरायटी ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है, तो हमने ये वैरायटी वगैरह सारी अपने खुद बनाया। ठीक हो गया। आपकी टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे? टाइमिंग सर अभी तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्मोक की वजह से किया हुआ है नाहौर के लिए स्पेशली नोटिफिकेशन, वो तो है 11 बजे तक वीकेंड। ठीक हो गया। तो अभी सिर्फ 4 बजे से लेकर 11 बजे तक होते हैं। हम रेगुलर डेज के अंदर जब सख्ती नहीं होती तो हम 6:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। 4 बजे यानी कि आपकी सर्विंग शुरू हो जाती है शाम? 4 बजे सर्विंग शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरह ये आपके पास माशाल्लाह रश है, ये देखिए ना, हालांकि वर्किंग डे है वो सही। अभी रश कुछ भी नहीं है, हमें तो यहाँ पे लोगों से मार भी पड़ने लगी। वजह क्या थी? लेट होने की वजह से 2-2 घंटे ऑर्डर लेट हो गया। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि आपका टेक अवे भी काफी चल रहा है और पैरेलल आपके पास डाइनिंग भी उसी तरह चल रहा है। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत डाले, जबरदस्त काम है, अल्लाह ताला इसको। ये आपने देखा, जैसे इनसे मैंने अपनी शिराज से बात भी करवाई है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी टीम है, लेकिन जिस तरह इनके पास वॉक इन है, ये डाइनिंग देख लें जिस तरह इनका चल रहा है ओपन एयर, और उसी तरह ही टेक अवे पे भी उतना ही रश है। माशाल्लाह हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ट्राई करें। यूनिक रेसिपीज़ हैं काजू कबाब की भी और बटर चिकन की भी, हाईली रिकमेंडेड। जब सदर आए ना आए, ये खाने के लिए ज़रूर आए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।